गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए, क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत बढ़िया शानदार करते वाला क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जल्दी से जल्दी आ जाइए, जल्दी स्पीड के साथ। थोड़ा नेटवर्क इशू था जिसके कारण थोड़ा क्लास लेट हो गया है। सब लोग फटाफट से आ जाइए भाई, क्लास स्टार्ट हो चुका है आपका जो है, ठीक है ना। और मैसेज को अपना जो है दे दीजिए सभी बच्चों को जो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। आपको पता है भाई, देखो रात को 12 बजे तक भी हमने पढ़ाया है, थोड़ा सा लगातार कंटिन्यूस हमारा क्लास रहता है। सिस्टम अभी चल रहा है, अपडेट हो रहा है थोड़ा सा जो है। जल्दी से जल्दी सब लोग आ जाइए। हाँ, कौन कौन बच्चा आ चुका है, कौन कौन बच्चा जो है, जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन देते चले, जल्दी से लाइक शेयर करते चले भाई इसको जो है। हाँ, अपना लाइक कर दो, शेयर कर दो भैया, सब लोग आ जाओ जल्दी से, फास्ट 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 फास्ट। हाँ, सब लोग आ जाइए भाई, जल्दी से फास्ट आ जाइए। सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जय श्री राम, नमस्कार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। थोड़ा सा आप भी जानते हो मेरी रात को 12 बजे तक क्लास चलती है। हाँ, तो थोड़ा सा बेटा रेस्ट भी देना पड़ता है बॉडी को, है ना। हाँ भाई, 8 बजे से अब शुरू करेंगे, रात के 12 बजे तक कंटिन्यूस क्लास है। हम भी एक इंसान है बेटा, ऐसा नहीं है। हाँ, हमें भी समझिए कि रेस्ट करना है, बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी आपके लिए मेहनत करते हैं बेटा। चलो जल्दी से इसको फटाफट से शेयर कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो जल्दी से। आज नया ट्रिक जो आपके लिए, बेहतरीन ट्रिक आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको जो है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सचिन जी, मनीष जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राज चौधरी, बहुत बढ़िया। अजीत, अविंदर, दीपक, सुभाजीत, सौरभ, मनीष, शानू, अजीत, पप्पी, सुजीत, एस के, सचिन, रविंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोगों को भैया बहुत प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हाँ बेटा, आओ जल्दी से सब लोग, जल्दी से सब लोग आ जाओ भाई, जल्दी से। क्लास शुरू करने जा रहे हैं हम। जय श्री राम। अलजबरा का हमारा स्पेशल क्लास चला हुआ, आज ट्रिक नंबर 2 पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। कल हमने ट्रिक 1 पढ़ा था, आज ट्रिक नंबर 2 पढ़ेंगे अलजबरा का, ठीक है बेटा। हाँ, ट्रिक 2 क्या होगा, देखिए ये हमारा रेफरल कोड है, सब बच्चों को याद होना चाहिए। भैया मेरा रेफरल कोड धांसु सरी है, DHASUSIR, धांसु सर। हमारा रेफरल कोड क्या है भैया, धांसु सर है। तो आप अन अकेडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे धांसु सर का कोड होगा। ये शेड्यूल है, इसके बाद जो मेरा क्लास होगा भैया वो 12 बजे क्लास होगा, जो नया बच्चा आ रहा है। स्पीड मैथ्स आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर देना बेटा जो है। फिर स्पेशल पेड क्लास अन अकेडमी पर चलती है, रात को आर्थमेटिक क्लास वाईफाई स्टडी पर चलता है, ठीक है। ये फाउंडेशन कोर्स आ चुका है अन अकेडमी पर आपका जो है, मैथ्स बाय धांसु सर। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, ये बाय दलवीर नागर, इसी को ज्वाइन करें, जहाँ पे मेरा नाम लिखा हो दलवीर नागर। बाकी किसी ग्रुप को ज्वाइन मत करना, क्योंकि बच्चों ने बहुत ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं, ठीक बात है कि नहीं है। और ये अलजेब्रा का स्पेशल क्लास। हाँ भाई, सब लोग आ गए, रेडी है। देखिए आज ट्रिक नंबर 2 है, हेडिंग डालिए भैया, ट्रिक नंबर टू। क्या है ट्रिक नंबर 2, क्वेश्चन में लिखता हूँ। सवाल इस टाइप से आता है एग्ज़ाम में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 4, ऐसा क्वेश्चन आता है। इसमें जो है क्या नंबर ऐड करें ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन है 1 इसमें क्या नंबर ऐड करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। विच नंबर इज एडिड टेक ए परफेक्ट स्क्वायर, इस टाइप से सवाल आता है बेटा। विच नंबर इज एडिड टेक ए परफेक्ट स्क्वायर, इसमें क्या नंबर ऐड करें
परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे ये दो का स्क्वायर चार, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये दो का स्क्वायर, ये तीन का स्क्वायर, ये चार का स्क्वायर, ये है आपके परफेक्ट स्क्वायर, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग ये है आपका पूर्ण वर्ग, इसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं बेटा, है ना। इसमें क्या नंबर ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ये है। क्या नंबर ऐड करें इसमें, ये जो संख्या दे रखी है कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, लाइक और शेयर करते रहो बेटा जी इसको जो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों करने का जो अच्छा तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, यही है, ध्यान से देखिए कि इसमें जो कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा वो ये लगेगा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है अलजेब्रा का, ए का टू माइनस बी का टू, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ये 56 है बच्चा और यहाँ पे 54 है, तो मेरे लिए बड़ा आसान। देखिए जितने भी क्वेश्चन है वो ज़्यादातर ट्रिक से ही क्वेश्चन हो जाते हैं, इस बात पे विशेष ध्यान देना, ठीक बात है कि नहीं है। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ट्रिक से हो जाते हैं, इस बात पे विशेष ध्यान देना, ठीक है बेटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4, 55 जमा 1, 55 जमा 1 कितना हो गया, 56। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 2 3 4, 55 माइनस का 1, 55 में से 1 जाएगा 54, 55 में 1 जमा करेंगे 56, 55 और 1 56 और 55 में से 1 गया 54, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक तरह से मैं अब आपको बताऊँ इस बात को, इस वैल्यू को मैंने a माना और इसको b माना, तो ये a प्लस बी हो गया, इसको बच्चा मैंने a माना और इसको मैंने b माना, ये a माइनस बी हो गया। ए प्लस बी और ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई, लाइक और शेयर करते जाइए मेरे प्यारे बच्चे, बहुत शानदार शानदार, ठीक बात है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अब ये तो आप देख रहे हैं, ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, ये आ गया पूर्ण वर्ग, पर ये कब ये पूर्ण वर्ग होगा, जब यहाँ से ये 1 हट जाएगा। अब 1 को हटाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा आपको बताइए बेटा जी, इसमें 1 को हटाने के लिए आपको 1 को ही ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये 1 कटेगा, तभी ये संख्या बचेगी 1 2 3 4 5 5, और इसका क्या बचेगा होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। नोट कर लीजिए, थम्स अप कर दीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको फटाफट। क्वेश्चन समझ में आ गया, ऐसे सवाल आएगा पेपर में, क्या नंबर ऐड करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने क्या किया, 56 को ब्रेक कर दिया 55 जमा 1, 54 को 55 माइनस 1। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अगला सवाल आप करके देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ठीक बात है कि नहीं। चलो एक क्वेश्चन ये मैंने बता दिया है, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल वर्क किया, 1 का वर्ग क्या होता है 1, और इसमें जब ये 1 हट जाएगा जब तो ये वर्ग पूर्ण वर्ग बनेगा, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है इसका स्क्वायर। देखो ये पूर्ण वर्ग ही तो है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसी को तो पूर्ण वर्ग बोलते हैं बेटा, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, आप बनाइए इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 plus 3 9 7 2 4 3 9 7 2 6 3 9 7 2 5, फाइंड द वैल्यू, ऑप्शन ए बी सी डी, 2 ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन भी मैंने साथ में दे दिए मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन है। चलो अब जल्दी से करिए, जल्दी से स्पीड के साथ बनाइए, ऑप्शन आपके साथ में दे दिए, बताइए जल्दी से स्पीड के साथ एकदम जो है। बेटा ऑप्शन में जो आंसर था वो 1 होगा ना, ऑप्शन में 1 आंसर, ये 1 होगा आपका, ये 1 आंसर होगा। इसमें क्या नंबर ऐड किया जा रहा है यहाँ पे, ये नंबर क्या ऐड किया जा रहा है यहाँ पे, 1 ऐड किया जा रहा है बेटा। तो ऑप्शन में जो आपका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन में आंसर ये 1 होगा, 1 इज़ द राइट आंसर,
एक को ऐड करने पर बन रहा है, ठीक बात है कि नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया, फाइंड द वैल्यू, बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, जल्दी से, स्पीड फास्ट, जल्दी से बताइए, स्पीड फास्ट स्पीड फास्ट स्पीड फास्ट स्पीड फास्ट, मैं जल्दी किया करो। देखिए आपके लिए मैं डेली एक ट्रिक लेके आता हूँ यहाँ पे, इसलिए लेके आता हूँ कि आप लोग भी प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन मैं बताऊँ, दूसरा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करें। बहुत शानदार आपने आंसर दिया मेरे प्यारे बच्चों, देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, छोटी छोटी ट्रिक्स। भाई इस वैल्यू को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, ये एक्स हो गया, और तो ये कितना कम है मेरे प्यारे बच्चे, ये 25 से, ये 25 से कितना कम है, एक कम है, तो ये x माइनस का भी 25 से एक ज़्यादा है, 25 से एक कम है तो x माइनस का एक हो गया, और ये 25 से कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा है, तो ये हो गया x प्लस का एक, x माइनस एक, x प्लस एक। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस x प्लस एक और x माइनस एक और बटे में x का 2। हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस का 1 बटे में एक्स स्क्वेयर, 1 से 1 कट गए यहाँ पे बच्चा, एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर से भाग करूँगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ऑप्शन 1, 1 इज़ द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, थम्स अप कर दीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, 1 इज़ द राइट आंसर बेटा, 1 इज़ द राइट आंसर। देखिए ये बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चनों को हम बड़े ही आसान तरीके से कर देते हैं। 3 9 6 2 5 / x, ये बटे में x हो गया, तो ये x माइनस 1 हो गया, ये x प्लस 1 हो गया, तो क्वेश्चन को मुँह जवानी हमने कर दिया है, एक सेकंड में निकाल दिया क्वेश्चन को हमने, क्या किया, x प्लस 1, x माइनस 1 और x स्क्वायर से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। टाइम नहीं लगता इन क्वेश्चनों को करने में, विद इन सेकंड हम क्वेश्चनों को बना सकते हैं, समझिए इस बात को, ठीक बात है कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। चलो चलो बेटा, अब एक क्वेश्चन आप मेरे को बना के दिखाओ। हाँ भाई, क्लियर हो गया ना भाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी कहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, एक्स का स्क्वायर एक्स, वन का स्क्वायर वन, वन से वन कट गया है, एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वन आंसर आ गया। तो इन क्वेश्चनों करने का एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट ही है जो आपको आसान तरीके से सॉल्व कर देगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बना के देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए भाई, 4 + 9 7 3 9 7 7 बटे में 9 7 5, फाइंड द वैल्यू, बताइए वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन भी लिख लीजिए, ए बी सी डी, ऑप्शन 1 - 1 0, ये ऑप्शन है, जल्दी से बताइए भाई, ऑप्शन भी आपके सामने है, जल्दी से स्पीड फास्ट, हाँ जल्दी से जल्दी से, बहुत शानदार बहुत शानदार, जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। देखो सीखते जाओ बेटा, आसान क्वेश्चन है, कोई टफेस्ट क्वेश्चन हम इसको नहीं कहेंगे, आसान सवाल है। मैंने अभी जो आपको ट्रिक सिखाया है मेरे प्यारे बच्चों, वो ट्रिक मैंने ये सिखाया है, इस वैल्यू को आप एक्स मानिए। अभी देखिए 75 से, ये 75 से कितना कम है, ये 75 से एक कम है, ये 75 से दो कम है, ये 75 से कितना ज़्यादा है, ये 75 से दो ज़्यादा है मेरे बच्चों, ये 75 से दो ज़्यादा है। यही तरीका होता है, एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यहाँ काम करता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक बात है। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चे, ये 4 प्लस में ये एक्स माइनस का 2 और ये हो गया एक्स प्लस का 2 और बटे में मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया एक्स। अब मैं अगर इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 बटे में एक्स, ठीक बात है कि नहीं। अब ये देखिए 4 प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस में 4 बटे में 4 से 4 कट गया, एक्स से एक्स कट गया, एक्स बचा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स किसको माना था आपने, एक्स माना था सर आपने 975, 975 राइट आंसर क्या आ गया, राइट आंसर आ गया 975। थम्स अप कर दीजिए एकदम जो, थम्स अप कर दीजिए, 975 इज़ द राइट आंसर, बहुत बढ़िया शानदार शानदार ग्रैंड सलूट। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो इसको x मान लिया, ये 75 से दो कम है, 75 से दो ज़्यादा है, इस फॉर्म में हमने लिख दिया, a प्लस बी माइनस बी बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, x से x कट गया, एक x बचा, मतलब ये बचा ना बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन में x बचा, तो एक x से एक x कटेगा तो x बच जाएगा, सिंपल सी बात है। थम्स अप कर दीजिए, बहुत बढ़िया शानदार 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 शानदार, वेरी गुड वेरी गुड।
चलिए अब एक क्वेश्चन इसमें ये आता है, ये देखो 2 की पावर 16, 2 जमा 1, 2 का स्क्वायर जमा 1, 2 की 4 जमा 1, 2 की 8 जमा 1, ए बी सी और डी। ऑप्शन होगा 1, -1, 0 और 2, ये ऑप्शन होगा। फाइंड द वैल्यू, बताइए इसका वैल्यू क्या आएगा, जल्दी से बताइए। देखिए बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट वही है, a² - b² पर हम इसके मैजिकल कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं। क्वेश्चन को विद इन सेकेंड आप कैसे उड़ा सकते हैं, बहुत बढ़िया शानदार। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करते चलिए बेटा, है ना, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते चलें, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, हाँ बताइए, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन, शाबाश 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 शाबाश, मज़ा आ रहा है, मज़ा ही आना चाहिए लाइफ में, और क्या है। देखो इस क्वेश्चन करेंगे एक बेहतरीन ट्रिक जो मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूँ, कि हम ये देखेंगे अगर सभी का बेस 2-2 है, सभी का बेस 2-2 है और पावर एकदम सीक्वेंस में है, ये 2, ये 4, ये 6, स्क्वायर में पावर देखिए, ये देखिए 2 × 4, 4 × 8, ऐसा डबल पावर अगर दे रखी है तो कुछ करने का जरूरत नहीं। ऐसे सवालों में आप लास्ट पावर से फर्स्ट पावर को डिवाइड करिए, डिवाइड किया भाई, वैसे तो तगड़ा क्वेश्चन है, 2 की पावर 16 करिए, उसमें 2+1, 2 का स्क्वायर +1 करिए, 2 की 4+1, 2 की 8+1, कितना समय लगेगा इस क्वेश्चन में, पर हम जो ट्रिक सिखा रहे हैं उससे विद इन सेकंड में हो जाएगा। ये 2 की पावर 16 है, 8 से काटिए, 8 × 16 होता है, तो अगर ये पूरा पूरा भाग जाता है तो आंसर पता क्या होगा, जो रिमेनिंग वैल्यू उनके साथ चल रहा होगा वही आंसर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 इज़ द राइट आंसर। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है भाई, कुछ भी दिमाग पे लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट पावर से फर्स्ट पावर को डिवाइड करेंगे, जो रिमेनिंग वैल्यू उनके साथ चल रहा होगा वही आपका आंसर होगा। ये है धांसू ट्रिक, समझ गए बात को, अगर अंतिम पावर से फर्स्ट पावर पूरा पूरा भाग हो जाता तो इनके साथ जो रिमेनिंग वैल्यू चल रहा है वही आपका आंसर होता है, समझ गए बच्चों। हाँ ये है बेहतरीन, हाँ तो आपको इस बात का टेंशन लेने का जरूरत नहीं भाई, बिल्कुल एकदम क्वेश्चन को देखा करो, क्वेश्चन को ऐसे चुटकी बजाते क्वेश्चन उठ जाते हैं, समझ रहे मेरे बच्चों, हाँ कुछ चुटकी बजाते ही क्वेश्चन उठ जाते हैं। आप भी कर सकते हैं, जैसे देखो ये 2 की पावर 64 है, इस टाइप से आएगा ही क्वेश्चन, 2+1, 2 का स्क्वायर +1, 2 की 4+1, 2 की 8+1, 2 की 16+1, 1 आएगा, टू की 16+1, 2 की 32+1, इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन आपका a b c d, 1, -1, 2 और 0, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी से, थम्स अप करिए जल्दी से, आंसर क्या होगा बताइए। एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर क्या होगा, इतने बड़े बड़े सवाल आ जाते हैं पेपर के अंदर और हम दिमाग पे सोचते रह जाते हैं सर क्या होगा कैसे होगा क्या होगा, और स्मार्ट बच्चा पता क्या होता है, जो सरकारी नौकरी पहली दफ़ा में जो बच्चा लेता है वो 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को उड़ा के चल देता है। कैसे, मैंने आपको ये सिखाया मेरे प्यारे बच्चे, सबका आधार देखिए 2, 2, 2, 2, 2, 2, सबका आधार 2 है, लास्ट पावर 32 है, 32 से फर्स्ट पावर को डिवाइड करिए, 32 × 64, अगर ये कंप्लीट भाग हो जाता, अगर ये पूरा पूरा भाग हो जाता तो दिमाग पे कभी प्रेशर मत डालना, इसके साथ इसकी जो रिमेनिंग वैल्यू है, ये रिमेनिंग वैल्यू 1, 1, 1, 1, 1, जो शेष वैल्यू है वही इसका आंसर हो जाती है, वही इसका क्या हो जाती है, आंसर हो जाती है, और 1 पे टिक लगा दो, बस काम ख़त्म। इसको बोलते हैं स्पीड, इसको बोलते हैं स्पीड, ठीक है। PDF जो भी बच्चों को मिलेगी वो मैथ्स बाय धांसू सर, ये मेरा ग्रुप है दलबीर नागर के नाम से, और यहाँ पे आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, ज्वाइन द टेलीग्राम, यहाँ पे आप मेरे से सीधा आप जुड़ सकते हैं, मेरे से मुलाकात कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपनी समस्या को साझा कर सकते हैं, तो मेरे से जो, और रेफरल कोड जो हमारा है, रेफरल कोड है हमारा धांसू सर, इस रेफरल कोड को लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, रेफरल कोड आपका धांसू सर है, इसको लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अन अकेडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो धांसू सर का धांसू कोड ही लगाइए। अच्छा अब इसमें 2 बातें होंगी, या तो ये पहला नंबर 2 से, या तो ये पहला नंबर पूरा पूरा भाग होगा या पूरा पूरा भाग नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन क्या बनेगा सर, वो क्वेश्चन ये बनेगा, पूरा पूरा भाग नहीं होगा तो वो क्वेश्चन ये बनेगा, मैं लिख देता हूँ, लिखिए 2+1, 2 का स्क्वायर +1, 2 की 4+1, 2 की 8+1, 2 की 16+1,
टू की 32 प्लस 1, दो की 64 प्लस 1, ये क्वेश्चन बनेगा। और इसके मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका 2 का पावर 64 प्लस 1, 2 की पावर 64 माइनस 1, 128 माइनस 1, 128 प्लस 1। भाई नोट कर लो क्वेश्चन को जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, जिसको नोट करना है। लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कि भाई लास्ट नंबर देखो इसका 64 है, लास्ट नंबर को मैं देखता हूँ 64 है, ये लास्ट नंबर 64 है और इससे पहला नंबर इसका 1 है। ये पूरा भाग नहीं जाता है, ये पूरा भाग नहीं जा रहा बेटे इसे, ये पूरा भाग नहीं जा रहा, ठीक है। इसका मतलब इस केस में कैसे करेंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमने आपको किसके लिए दिया भैया, होमवर्क के लिए दिया, घर से बनाइए, कल डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही है, ठीक। अगर आपको अच्छा लगा है, आपको मज़ा आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका सजेशन सुझाव हमारा टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, मैथ्स बाय धांसू सर दलवीर नागर के नाम से है मेरा, मेरा नाम दलवीर नागर है, अन अकेडमी में मेरा प्रोफाइल दलवीर नागर के नाम से, आप दलवीर नागर के नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट। और आपका ये रेफरल कोड है, रेफरल कोड है आपका DHASU धांसू SIR, ये आपका कोड है मेरे प्यार बच्चों, इस कोड को भी लगाना मत भूलिए। आपका अपना कोड धांसू सर, ये धांसू सर आपका अपना कोड है DHASU धांसू सर, ये रेफरल कोड है आपका, इस कोड को लगाइए और 10% जो भी अन अकेडमी से आप जो भी बैच परचेज कर रहे हैं उसको 10% का आपको रिहात मिलेगा। ये मैंने लिखा हुआ है नीचे धांसू सर, DHASU धांसू सर आपका अपना कोड है, इस कोड को लगाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगता है, लाइक शेयर कमेंट करिए। अगली क्लास 12 बजे होगी, आप लोगों से मैं मुलाकात करता हूँ अगली क्लास के अंदर। ये है अगली क्लास, ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम मैथ्स बाय धांसू सर, आज ही जुड़ जाइए। PDF PPT जितनी भी क्लास में पढ़ाता हूँ सुबह से लेकर शाम तक रात तक जो भी पढ़ाता हूँ फ्री पेड बैच, वो सारा मैं अपने टेलीग्राम में डाल देता हूँ। टेलीग्राम का फ़ायदा ये होता है वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाती है, ठीक बात है कि नहीं है। ये टेलीग्राम का लिंक है मैथ्स बाय धांसू सर, और ये शेड्यूल है। अब मेरा अगला क्लास जो होगा स्पीड मैथ का क्लास होगा, ये 12 बजे क्लास चलेगा। अच्छा आज 1 बजे भी क्लास भी है, CHSL की क्लास है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसको भी देखना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत, जय माता, धन्यवाद प्यारे बच्चों।